नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं सरकारी लर्निंग पॉइंट एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, एसएससी एमटीएस 9 अगस्त थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो समाप्त हो चुका है और उसमें जितने भी जीके के क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों, वो सभी डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब या वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत कर देना। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन इस प्रकार था दोस्तों, महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के गुरु दोस्तों राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे और आध्यात्मिक गुरु श्रीमद् रामचंद्र जी थे। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, मोमादास किस खेल से रिलेटेड हैं? मोमादास दोस्तों टेबल टेनिस प्लेयर हैं जो जिन्हें कि 2013 के अंदर अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, सूफी संत की कब्र को क्या कहते हैं? सूफी संत की कब्र को दोस्तों दरगाह कहते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार था, रेलवे बजट को आम बजट का विलय कब हुआ? तो 2017 बजट के अंदर रेलवे और आम बजट का विलय किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण किसकी सहायता से किया जाता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण है दोस्तों वो मुख्य आर्थिक सलाहकार व वित्त मंत्रालय के सर्वेक्षण के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो B.R. अंबेडकर जी थे जो कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, मदर्स इंडिया बुक के लेखक कौन हैं? दोस्तों कैथरीन मेयो है जो कि मदर्स इंडिया बुक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार था, मुख्य चुनाव आयुक्त 2019 कौन हैं? सुनील अरोड़ा जी हैं दोस्तों जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त 2019 हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार था, छत्तीसगढ़ के CM कौन हैं? भूपेश बघेल हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ के CM। अगला क्वेश्चन इस प्रकार था दोस्तों, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से होता है दोस्तों बेरी बेरी। अगला क्वेश्चन इस प्रकार था दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों नील नदी है जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार था दोस्तों, RTI किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 19A के अंतर्गत आता है दोस्तों RTI। अगला क्वेश्चन इस प्रकार था दोस्तों, ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो B.R. अंबेडकर जी थे जो कि ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन इस प्रकार था दोस्तों, फीफा की स्थापना कहाँ हुई है? तो पेरिस फ्रांस के अंदर दोस्तों फीफा की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन इस प्रकार था, HCl का केमिकल नेम क्या है? HCl का केमिकल नेम दोस्तों सोडियम क्लोराइड है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार था दोस्तों, केसरी न्यूज़पेपर की स्थापना किसने की? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी दोस्तों केसरी न्यूज़पेपर की स्थापना। अगला क्वेश्चन इस प्रकार था दोस्तों, लद्दाख किस पर्वत श्रृंखला के बीच हैं? लद्दाख दोस्तों कराकोरम व हिमालय पर्वत के बीच हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार था, इमाम गांव कहाँ है? तो असम के अंदर है दोस्तों इमाम गांव, जहाँ पर जो गाँव के मुखिया कह देते हैं लोग उन्हीं को वोट देते हैं, इसलिए इसे इमाम गाँव के नाम से पहचाना जाता है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार था दोस्तों, पंचायती राज किस आर्टिकल में है? पंचायती राज दोस्तों अनुच्छेद 40 के अनुसार पंचायती राज का गठन किया गया था। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि SSCMTS 9 अगस्त थर्ड शिफ्ट के अंदर पूछे गए। यदि आपको भी कोई क्वेश्चन याद है तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर करना। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। धन्यवाद।